घोड़े बेचकर सो रहा है। बस बस ये नाटक बंद करो। कितने देर सोओगे? उठो। मुझे ये कप गरम गरम कॉफी पिला दे, मैं आराम से उठ जाऊंगा। सुन लो, साहब को कॉफी चाहिए, कॉफी। पिछले 4 दिनों से 1 पैसा तक नहीं कमाया और इन्हें कॉफी चाहिए। घर में न चावल है न नमक। आज मेरी माँ ना होती तो पेट पर पत्थर रखकर सो जाते। बहुत हो गया, मुझे तेरी बकबक नहीं सुनी, समझी? ये कप कॉफी नहीं दे सकती तो गर्म पानी ही दे दे। लकड़ी नहीं है। मुझे पता है, पानी धूप में रख दे, अपने आप गर्म हो जाएगा। सुनो, बैठो। बाजू के घर से उधार मांगकर मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी सी कॉफी बनाई है। अच्छा? हाँ, जब तुम शाम को काम से वापस लौटोगे उन्हें लौटा दूंगी। काम? कैसा काम? कुछ भी, कहीं भी जाओ, कोई भी काम ढूंढ लो और कमा कर लाओ। नारियल तोड़कर भी कमा सकते हो। नारियल? उतने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर? वो नहीं तो कुछ और। अब जल्दी तैयार हो जाओ और निकलो। माँ बाहर गई है, उसके आने से पहले निकलो बाहर, वरना लकड़ी लेकर भगाएगी। अरे अरे। अम्मा, सामी, नारियल तोड़ने वाला। सामी, क्या है? नारियल तोड़वाने हैं। आपके पेड़ पर लगे कीड़ों को भी साफ कर दूंगा, अच्छा काम करके दूंगा। पागल हो गया क्या? इस पेड़ में तुझे नारियल दिखाई दे रहे हैं? हे, आंखें खोल कर दे। बड़ा आया, नारियल तोड़ने वाला। अच्छा ठीक है, मैं आपका आंगन साफ कर दूं। जा जा, मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना है, चल भाग। अम्मा, नारियल तोड़ने वाला। अम्मा, नारियल तोड़वाने हैं। जा जा, नहीं तोड़वाने हैं। हमू जब घर पे नहीं था, हाँ, तो बाद में। भाई साहब, क्या है? आप किसी कुली को जानते हो जो कुएं में उतर सके? मुझे नहीं पता। हमू ने घर आके देखा तो सारे बर्तन गायब थे। फिर क्या? सुनो भाई, क्या तुम किसी कुआं साफ करने वाले को जानते हो? कुआं साफ करने वाले को? वो जो आदमी वहां बैठा है, उसे पूछो। मैं एक कुआं साफ करने वाले को ढूंढ रहा हूँ। मेरे मालिक का पीतल का घड़ा कुएं में गिर गया है। क्या तुम किसी को जानते हो जो कुएं में उतर कर उसे निकाल सके? कितने पैसे देंगे वो? तुम कितने लोगे? मैं पहले कुआं देखूंगा। हाँ, 2 रुपए से कम नहीं होगा। 2 रुपये? हाँ चलेगा, चलो मेरे साथ। चलेगा? आज मुझे कुछ और काम है, कल मार्केट फाउंटेन पर मिलूंगा।
कोई मिला या नहीं? नहीं अम्मा, मुझे कोई कुआं साफ करने वाला नहीं मिला। मैं जानती थी तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। वो खड़ा मेरी सास का था, किसने कहा था तुम्हें हाथ लगाने के लिए? अब जाओ किसी को लेके आओ और घड़ा निकालो, नहीं तो ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और मैं पुलिस को भी बता दूंगी कि तुम ही ने वो घड़ा चोरी किया है, समझे? अच्छा अम्मा। नहीं नहीं नहीं, अभी चलो। मैं कुएं के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा मत बोलो, पहले चलकर देख तो लो। मेरे मालिक ने पिछले 4 दिन से मुझे परेशान कर रखा है, अगर आज भी तुम नहीं चले तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन मैं कुएं के बारे में कुछ नहीं जानता ना। चुप, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। अगर एक दो आने ज्यादा चाहिए तो ले लो, पर ये सब नाटक नहीं। पर मैं... जल्दी चलो, जल्दी चलो। मालिक, आओ आओ, मालिक आओ आओ। कोई मिला? जी ये रहा। क्या नाम है तुम्हारा? जी रंगा। अच्छा अच्छा, चलो कुएं से घड़ा निकालो। मालिक मैं कैसे निकालो, मुझसे नहीं होगा। छे, किसे पकड़ लाया तू? ये तो बेकार है। मालिक आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ये निकालेगा। ठीक है ठीक है, पहले कुआं तो देख लो। आओ इधर से। संभल के संभल के। वैसे वो घड़ा गिरे 4 दिन हो गए, हमारे लिए वो घड़ा बहुत ही कीमती है। हाँ हाँ, मेरी सास ने मुझे वो घड़ा दिया था। नहीं माँ, आपने तो कहा था हमारी दादी माँ ने दिया था। बुद्धू कहीं का, एक ही तो बात है, मेरी दादी माँ ही तो मेरी सास है। लेकिन माँ, चुप। मेरी सास ने मुझे ये घड़ा दिया था और कहा था इसे बहुत संभाल के रखना, क्योंकि ये खानदान की परंपरा है, इसीलिए मैं इसे किसी को हाथ लगाने नहीं देती। मुझे भी नहीं। मुझे भी। पता है रंगा, मैं इस घड़े को रोज घिस घिस के धोती हूँ मिट्टी और इमली से, इसीलिए तो ये सोने की तरह चमकता है। नालायक देवा, और देखो क्या किया इसने, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? ये मुझे भी हाथ लगाने नहीं देती घर के मालिक को। लगता है रस्सी काफी घिस गई होगी। पहले देख तो लो। अरे देखो तो सही। लगता है कुआं बहुत गहरा है। नहीं नहीं, सिर्फ 60 फीट है। क्या, हम 40 से ज्यादा गहरे कुएं में नहीं उतरते। अगर तुम्हें 4 आटे और चाहिए तो मांग लो, हम दे देंगे। मैं इसके 4 रुपए लूंगा। बेकार में क्यों अपनी जान खतरे में डालू? क्या 4 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ठीक है तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, 2 रुपए 12 आने चलेंगे। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, आखिर रंगा हमारा ही तो आदमी है। नहीं नहीं, 4 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, रंगा के लिए तो कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें 3 रुपए देंगे। खुश? क्या 3 रुपए? मेरी मेहनत की कमाई को तुम इस तरह उड़ाना चाहती हो? उसका काम भी तो खतरे से भरा है, इसीलिए मैंने कहा। मैंने कहा ना 4 रुपए, बस इससे कम नहीं होगा, मुझे और भी काम है। ठीक है 4 रुपए ही सही, चलो काम शुरू करो। 4 रुपए? ठीक है, मुझे पता चल गया है किन किन चीजों की जरूरत है, वो सब सामान लेकर मैं कल लाऊंगा, अब मुझे जाना होगा। क्यों, अभी से काम शुरू करो। समी मुझे बहुत भूख लगी, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं जरूर आऊंगा। रुको रुको, बस इतनी सी बात, आओ आओ।
क्या हम तुम्हें खाना नहीं खिला सकते? हाँ आओ आओ रंगा, आज तुम्हें हमारे ही घर खाना होगा। चलो चलो। रंगा, इतना कम चावल तुम्हें काफी नहीं होगा। अय्यर, रंगा के लिए और थोड़ा चावल और सांभर लेके आना, जल्दी। आराम से आराम से। हाँ, डालो। सांभर भी डालो। अच्छा अच्छा, सांभर कैसा लगा? अच्छा है ना? आराम से आराम से, खाने में जल्दी नहीं करते। अय्यर, वो थोड़ा छाछ लाना और वो नींबू का अचार भी। बस जमा बस, पेट भर गया। नहीं रंगा नहीं, बिना अचार के और छाछ के खाना पूरा नहीं होता। हमारे अय्यर का अचार तो लोग मांग के खाते हैं, तुम भी खा के देखो ना। जरा रंगा के लिए 5 सुपारी लेके आना। जी, अभी लेके आते। सब हो गया ना? चलो। समी, पेट तो भर गया, अब मैं आराम करूंगा। फिर काम? काम? थोड़ी देर आराम कर लो, बाद में काम भी करूंगा। बाहर तो आओ, देखो तो सही। क्या देखूं? इतने सालों से तो देख ही रही हूँ। माँ, तुम ये सब कहाँ से आया? कोई खजाना मिल गया क्या? ये लो, पूरे 4 रुपए हैं, जो चाहे खरीद लो। अरे वाह, 4 रुपए! इतने सारे पैसे कमाए हो? माँ इधर देखो। अरे रे 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 रे, देखो इसे, इतने पैसे कहाँ से आए इसके पास? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब देखना मैं इसे कैसे सच बुलवाती हूँ। ए नालायक, सच सच बताओ, सच सच बता, ये पैसे कहाँ से आए तेरे पास? बता बता रे, बता ना, बता। रंगा, उठो जल्दी जल्दी, उठो उठो, सूरज ढलने वाला है, जल्दी उठो। तुम्हें काम करना है। काम? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं करूंगा। तुम्हें काम करना ही होगा, चलो, देर हो चुकी है, जल्दी चलो चलो जल्दी, तुम्हें काम करना होगा, चलो। अरे चलो उतरो। मुझे नहीं होगा, अरे चलो चलो उतरो उतरो उतरो, मुझे छोड़ दो, उतरो उतरो। भगवान, मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है।
क्यों डरता है? जाना। क्या डरता है? छोटी सी तो बात है। उतर 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 जा। भगवान, अम्मा, जामे, भगवान मुझे बचा ले। कुछ नहीं होता, डरो मत। भगवान मुझे बचा ले। डरो मत, मुझे बचा ले। भगवान मुझे बचा ले। रो रो, कुछ नहीं होगा। मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगा। अम्मा, सामी, मुझे बचा लो, मुझे ऊपर खींचो, मैं मर जाऊंगा। अम्मा, मुझे बचा लो, भगवान, मुझे बचा लो। हाँ, वही कहीं होगा, ठीक से ढूंढो। मुझे बचा लो, ढूंढो, मुझे बचा लो, ठीक से ढूंढो। मिल गया। ऊपर खींचो, ऊपर ऊपर खींचो, मिल गया है घड़ा। जोर से और थोड़ा। घड़ा मिल गया, घड़ा मिल गया, 4 रुपया मिल गया। मेरा घड़ा मिल गया। तुम तो बड़े काम के आदमी हो, तुमने 4 रुपए के लायक काम किया है। फिर कभी कुछ कुएं में गिरा तो हम सिर्फ तुम्हें ही बुलाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम रहते कहाँ हो? मालिक, मैं किधर रहता हूँ छोड़िए, मैं कुएं में नहीं उतरूंगा, कभी नहीं। मालिक, मुझे और 1 रुपया देना, इतनी मुश्किल से निकल आया हूँ। तुम सब एक जैसे हो, जितना भी दो तुम्हारे लिए कम है। लालच की भी हद होती है। अरे इससे कम कीमत में तो नया घड़ा मिल जाएगा। हमने तुम्हें खाना दिया, पैसा दिया, और तुम जाओ जाओ, जितना मिला है उसी में खुश रहो। नहीं नहीं स्वामी, ये लालच नहीं है। हम कुआं साफ करने वालों को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है। स्वामी कुछ और दे देना। अब और पैसे नहीं स्वामी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कमीज दूंगा। खुश? शाम के 7 बज चुके हैं। मैं चावल कब खरीदूं और पकाऊं कब? तुम क्या समझते हो, आज रात खाना नहीं मिलेगा तो पता चलेगा। ये लो। 4 रुपये? तुमने कहीं चोरी तो नहीं की? और ये कपड़े? ये देख, ये चोटे मेरे हाथ और पांव पर। तुझे क्या मालूम मैं कितने गहरे कुएं में उतर कर कमाल आया हूं? तुम और कुएं के पास? मुझे तो लगता है तुम किसी की जेब काट कर आ रहे हो। नहीं नहीं, ये पैसे मुझे जमींदार ने दिए हैं। कुएं में उतर कर उनका गड़ा मैंने बाहर निकाला है। देखो तुम मुझसे झूठ मत बोलो। क्या मैं नहीं जानती तुम पानी के डर से नहाते तक नहीं हो? कितनी बदबू आती है। ठीक, मैं कसम खाकर कहता हूँ, सब लोगों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती कुएं में उतारा है। पहले तो उन्होंने 4 रुपए कहा, मैंने और मांगे, फिर वो मुझे 4 रुपये, 4 आने और ये कपड़े दिए। मालूम है? ये भी अच्छा ही है, अब हमें और 6 दिन तक कोई चिंता नहीं है। मेरी मानो, तुम पेड़ पर चढ़ने का काम छोड़ दो और कुएं साफ करने का काम कर लो। क्यों, मुझे जल्दी मरवाना चाहती है क्या? देख, तुझे पैसों से मतलब है ना? बस अब मुझे ये मत समझा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझी? देखो अब बहुत हो गया, सच सच बताओ वरना पुलिस को बुलाऊंगी।
इसे कौन लाया इधर? ये इसे तो मेरी माँ ने लाया है। ये घड़ा कैसे आ गया इधर? पर क्यों? देखो इसे बाहर फेंको, नहीं तो मैं घर से चला जाऊंगा। Ha 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 ha!